दोस्तों ले चलते हैं आपको एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी के साथ एमटीवी पे। बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत खूबसूरत शो होने वाला है और करण और चेतना इस समय मेरे साथ दोनों यहाँ खड़े हैं। और करण बहुत हैंडसम लग रहे हैं, चेतना उतनी ही खूबसूरत लग रही है। आप ये बताइए कि नर्वस ज़्यादा हैं या आप एक्साइटेड ज़्यादा है, किसका भला ज़्यादा भारी? हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड द वे वी आर शूटिंग। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, बहुत ही डिफरेंट काइंड का शो है। एक फैंटेसी वर्ल्ड है, इम्पॉसिबल लव स्टोरी है, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि नर्वस तो नहीं हूँ, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और काफ़ी शोज लॉन्च हो चुके हैं। एक्साइटेड बहुत हूँ, क्योंकि हमेशा से जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो एक्साइटमेंट आती है। थोड़ा सा डर है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बट नर्वस डेफिनेटली हूँ। थैंक्स टू ऑल दिस पीपल हू सपोर्टेड अस एंड लव्ड अस। आई एम श्योर कि वो मेरा शो जरूर देखेंगे, बट थोड़ा सा डर है कि क्या होने वाला है। आपको तो डर है, लेकिन आपने बोला है कि शो देख के लोगों को डर नहीं लगेगा, जबकि शो में वैम्पायर्स है, वेयरवुल्फ है, ऐसा क्यों है कि देख के डर नहीं लगेगा? ये तो डरने वाली चीज है ना। काटते थोड़ी है वैम्पायर्स, तो हाँ काटते हैं, मतलब खून भी पीते हैं, लेकिन अच्छे हैं। मतलब यही तो इस शो की वो है कि यू नो इट्स लाइक जो एंटी हीरोज हैं वो ही प्यार करेंगे और उन एंटी हीरोज से ही प्यार होगा आपको। यू नो दिस वन ऑफ दो स्टोरीज, बट यस डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत ही अच्छे वैम्पायर हैं, हम अच्छे खानदानों के वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स हैं। नो इट्स अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी, बिकॉज एक इम्पॉसिबिलिटी का इसमें एक यू नो एलिमेंट है। एक वैम्पायर और एक ह्यूमन अगर आपस में प्यार करते हैं तो वो दे कांट एंड अप टुगेदर, यू नो। सो वो क्योंकि वो इटर्नल नहीं हो सकती लव स्टोरी, दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉसिबल लव स्टोरी। और ऐसी लव स्टोरीज बड़ी बड़ी प्यारी होती हैं, यू नो। आप देखेंगे हिस्ट्री में जितनी भी लव स्टोरीज फेमस हुई हैं वो लव स्टोरीज होती हैं जो मुकम्मल नहीं हो पाती हैं। यू नो हीर रांझा से लेके आप जितने मर्जी सस्ती फिल्म चले जाइए, रोमियो जूलियट चले जाइए, जो इम्पॉसिबल लव स्टोरीज होती हैं वही प्यारी लगती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वॉट वी आर होपिंग कि कुछ। आपने बोला कि लोग डरेंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं इतना हैंडसम लगने वाला हूँ कि डर तो लगेगा ही नहीं, सब मुझे देखते रहेंगे, खासकर लड़कियाँ। उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, बट आई होप मुझे देखते रह जाए, बट नहीं। हमारा शो कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रांग है और आई थिंक वो एक्टर्स से ज़्यादा हमारी जो केमिस्ट्रीज हैं, हमारी नॉट जस्ट द यू नो द गर्ल एंड द बॉय, बट ऑल ऑफ अस टुगेदर आर वीव्ड सो फैंटास्टिकली टुगेदर इन द शो, दैट इज़ गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत हैंडसम दिखने वाला हूँ। चेतना आप ये बताइए कि लोगों को बहुत मतलब हैंडसम लोगों से प्यार होता है, बहुत स्वीट लोगों से प्यार होता है, रोमांटिक लोगों से प्यार होता है, आपको वैम्पायर से प्यार हुआ है इसमें? आई नो, मुझे हमेशा से ही यू नो लाइक स्ट्रॉन्ग एंड बैड बॉयज एंड वो ही सब पसंद था, तो आई थिंक इसीलिए मुझे आज वैम्पायर से प्यार हुआ है। एंड इट्स सो नाइस एंड डिफरेंट, यू नो जिससे आपको प्यार हो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स, उससे अच्छा क्या हो सकता है? सो आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग एज यू नो एज एन एक्टर एज वेल, बिकॉज माई रोल हैज़ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू शो which normally you don't get to, so I think yeah it's very interesting. Karan, jab hero hi vampire hai to isme kahani mein twist kahan hai, who is the villain of the story? Hum sare hi jitne hero hain utne hi villains hain, jitna main acha hu show mein utna hi kharab bhi hu, और जितना मैं गुड हूँ उतना ईविल भी हूँ। सो आई थिंक ये तभी रिलेट भी करेगा यूथ को, क्योंकि असलियत में कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता जितना वो दिखाते हैं हमारे टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में। असलियत में लोग वल्नरेबल होते हैं, इनसिक्योर होते हैं और गलतियाँ कमिट करते हैं, वो जेलस होते हैं। सो आई थिंक ये कैरेक्टर भी वैसा ही है। आपके इस अवतार को लेकर किसी ने आपको कोई अच्छी सी बात, कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया? इंस्टाग्राम पे कुछ मैंने पिक्चर्स डाली हैं अपनी इस लुक की और मेरे को तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थैंकफुली। थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस। और आई थिंक एक प्रेशर है मेरे ऊपर वैम्पायर, अच्छा वैम्पायर दिखने का, सो वंस दैट हैपेंस वी विल सी व्हाट हैपेंस। अब करण जाते जाते मैं चाहती हूँ कि लोग तो देखने वाले हैं ये शो, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप एक मतलब एक ही वर्ड में पूरे शो कैसा होने वाला है, एक एक्ट में लोगों को बता दीजिए कि वो क्या देखने वाले हैं पूरे शो। शो ऐसा है जो एक वर्ड में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये शो देखने लायक है।
कुछ एक डायलॉग या कुछ तो प्रोमो तो ट्रेलर तो यू नो आप अगर आप एक टीजर देखेंगे तो उसमें अनीता की लाइन है कि यू नो मोहब्बत मुझे मंजूर नहीं और नफरत मेरी सर आँखों पर है, मेरी लाइट है कि मेरी लाइन है कि हुस्न में दगा और यू नो खुशी में फरेब मिलेगा, ये किसको पता था। सो इट्स वेरी इंट्रीगिंग यू नो। सो ही इसको हर एक इंसान की अपनी एक चोट है जिसकी वजह से वो इतने ईविल हैं, इतने ख़राब हैं, बट कहीं ना कहीं अच्छाई बची हुई है। क्या आप सही में वैम्पायर्स को मानते हैं? डू यू बिलीव सुपरनैचुरल? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं मतलब कुछ नहीं मानता इन चीज़ों में बिल्कुल भी। ये तो कुछ नहीं मानते ऐसे, लेकिन आप जरूर मानने लग जाएंगे जब आप ये सीरियल देखेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।